एमिवे और कृष्णा में बेटर रैपर कौन है? अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। तुम्हारे पी बॉय चाचा के हिसाब से कृष्णा भाई गंद फैला रहे हैं पॉप में, गानों में गालियां दे रहा है वो, तो इसलिए वो गलत हो गए। ये रैप कल्ट हार गया, इंडियन हिप हॉप सीन हार गया इन दोनों की राइवलरी के पीछे, बिकॉज दोनों बस अब्यूज कर रहे हैं, दोनों वुमेन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हिप हॉप में गलत हो रहा है, हिप हॉप में इतनी गालियां नहीं होनी चाहिए। अबे कौन है तू, तेरे से पूछे किसी ने? ठीक है मानता हूँ डिस्ट्रैक में कुछ ज्यादा ही गालियां हो गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आर्टिस्ट बेकार है। एक तो मुझे भाई 40 साल के अंकल से नहीं सुनना रैप क्या होता है क्या नहीं होता, तो इनसे मिलिए ये हमारे पी बॉय। इसको देखने वाले कितने मंदबुद्धि होंगे यार। अब तुम सोच रहे हो क्या कर रहा है वीडियो में, तो भाई हमारे पी बॉय चाचा बहुत बड़े यूट्यूबर है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके। हाँ सर, चाचा लोग का भी 1 मिलियन है। पहले मुझे ये बताओ कि भंडारा वंडारा चल रहा है, फ्री में मिल रहा है सब्सक्राइबर? तो भाई हमारे बेक ऑफ ओपिनियन देते हैं, और बेक ऑफ के नाम पे क्या देते हैं, एलविश यादव बिग बॉस जीत गया तो वराटी ने ये कर दिया, बाढ़ आ गई संसार फट गया। बेक ऑफ जहाँ व्यूज मिलते वहाँ मुंह उठा के पहुँच जाते पी बॉय भाई, और जहाँ कोई नहीं पूछता इसको ओपिनियन, यहाँ से बना रैप कल्ट जहाँ लोगों ने एमसीइंग करी, डीजेइंग करी, बीटबॉक्सिंग करी। पीपू पूपू चाचा भाई घर में बच्चा अच्छा संभालो, ये क्या कर रहे हो यार? और एक तो इतने चूते तरीके से कौन बात करता है यार। भाइयों मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए था, भाइयों मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए था, मुझे लगता है चूते ना रैप सुना अभी, इसको पता भी क्या होता है ये सब वो सब। इन चाचा कंटेंट पूरा यही है, 9 मिनट की वीडियो बनाएंगे, पता नहीं कौन सी सरकार की बातें करते हैं, और इतने चूते की तरह बातें करता भाई इंसान, मेरे से 2 मिनट देखा नहीं क्या? 10 मिनट की वीडियो बनाएगा, 10 मिनट 5 मिनट पता नहीं क्या ही बोलता है, और आवाज मोटी करने की कोशिश करेगा भाई ये। सही कहा एमिवे ने अपने लाइव में, सही कहा कि जैसे को तैसा। बेटा जितना बैकअप तुम लोग लेके बैठे ना उतना बैकअप इधर पे भी है, बंबई शहर में बचपन से रह रहे ले, समझे क्या? बट व्हाइल जैसे को तैसा इज फाइन। चुप तेरी मैं किचू। तो पी बॉय के हिसाब से अगर गानों में गा लिया तो गाना ही खराब है पूरा, ये गंद फैला रहे हैं पूरा DHH में। इस पे भालू से देखने वाला इंसान भाई सामने आके बोले तो मैं तो नहीं मानने वाला। कंटेंट के नाम पे इसका कुछ नहीं है, हर महीने आता है वो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके ऊपर बात कर लेगा भाई, हो गया बन गई वीडियो, आ गए मिल जाने रिव्यूज। और इसको देखने वाले कितने मानसिक रूप से बीमार होंगे यार बेचारे। ठीक है भाई मानता हूँ गानों में कुछ ज्यादा गलीच हरकतें हो गई थी, लेकिन पी बॉय भाई ये मत कहो कि आर्टिस्ट बेकार है, वो आर्टिस्ट बेकार है। एक तो भाई वो इंसान जो इस तरह से बातें करता है ना, उसको इंसान तो छोड़ दो, मैं बराबर ही में देखना नहीं चाहता। लास्ट में यही कहूंगा कि रैप किसी की औरत, किसी की बंदी, किसी की बहन, किसी माँ को ह्यूमिलेट करना, एम्बैरेस करना, गाली देना नहीं। और इसने एलविश की इतनी चाटी है भाई, शादी करा दो यार इसकी उसके साथ, एलविश ने ये कर दिया, एलविश ने वो कर दिया, एलविश की बारात निकाल दो, ये कर दो। जो एलविश है उसने दिल जीता सबका, सबके साथ कनेक्ट किया, और एलविश यादव का जीतना ये बताता है कि अगर आप दिल से लोगों के साथ कनेक्ट करो ना तो आप जीतते जरूर हो, और जब आप ऐसे मंच पे जाकर, ऐसे शो में जाकर सीखते हो। ऐसे कौन बात करता है भाई नॉर्मली, भाई मुझे लगता है ये हो गया, भाई मुझे लगता है वो हो गया, ये चूते रूडम आके बोलेगा एलविश यादव के साथ गलत हो रहा है भाई, एलविश यादव को दबाया जा रहा है, उसको शो में दबाया नहीं गया, उसको शो में लपेटा गया। सलमान खान ने जो रैप्टे मारे थे ना भाई मजा आ गया था। एक तो भाई वो इंसान जो सपोर्ट कर रहे एलविश यादव को, इससे बड़ा बैल बुद्धि गवार अनपढ़ कहीं नहीं मिलेगा तुमको। उसे पता चलता है कि सिस्टम अकेले नहीं बनता, सिस्टम तब बनता है जब ऐसे दोस्त हों। भाई देख तुम्हें तो क्या ही बोलूं यार मैं, तुमने अपना सिस्टम हैंग कर रखा था घर पर, बाहर हमने देख रखा, और मतलब भाई जर्नी देखने में, देख मैं अपने लिटरली बताऊं सारे भाई की तरफ से बताऊं, अबे मार चुदा ना। पीपल भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भाई बहुत बेक ऑफ यार, बहुत बेक ऑफ यार, आप चैनल डिलीट कर दो अपना यार प्लीज। तो बस आज के लिए इतना ही, कमेंट करना तुम्हें क्या लगता है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नाओ सब्सक्राइब करना भाई। मिलते जल्दी अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, जय श्री राम।